सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हाँ तो भाई, यहाँ पे आप इतने डब्बे देख रहे हो ब्रो, इतने सारे जो डब्बे देख रहे हैं ना, इन्हीं के साथ मैंने अपना बनाया है गेमिंग सेटअप। और मैं आपको अपना पूरा गेमिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ जो कि इनसे कन्वर्ट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से अपने इन सारी चीज़ों को लगाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और आपको अपना गेमिंग सेटअप दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो मेरी सारी चीजें, यही है मेरा गेमिंग सेटअप जिसके बारे में आपको बताते हैं। पहले तो लाइट चालू करते हैं, तो चलिए पहले तो लाइट चालू कर देते हैं। भाई लाइट चालू करने के बाद देखेंगे ये है मेरा कुछ सेटअप, ऐसा कुछ दिखता है और इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहले तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोजॉय में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर मेरा गेमिंग सेटअप के बारे में। एक सेटअप टूर देने वाला हूँ जो कि मेरा खुद का गेमिंग सेटअप है। यहाँ पर मैंने अपना खुद का गेमिंग सेटअप बनाया है और इसमें क्या 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 चीजें लगी हुई है सारी की सारी, आपने जो स्टार्टिंग में डब्बे देखे मैंने उससे कन्वर्ट करके यहाँ पे निकाल के भाई ये है पूरा सेटअप जो मैंने बनाया है। इसके बारे में भाई मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और भाई सबको ही पता है कि सबको एक सपना होता है अपना खुद का गेमिंग सेटअप बनाने का, खुद का एक फील लेने का। भाई तो मेरा भी यही सपना था, मेरे को अपना खुद का एक गेमिंग सेटअप तैयार करना था। हालांकि जो मैंने अफोर्डेबल अपना गेमिंग सेटअप में जितना बना सकता मैंने बनाया है, अच्छी से अच्छी चीजें लगाई है भाई, बेस्ट से बेस्ट चीजें मैं जितनी लगा सकता था अफोर्डेबल करके अफोर्ड करके मैंने वो सारी चीजें लगाई हैं। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं हमारे सेटअप की। यहाँ पे देखेंगे तो मेरा कुछ सेटअप ये है। अभी मेरी टीवी बंद है, मैंने अभी तक चालू नहीं किया अभी आपको दिखाने के लिए, है ना। क्या खास चीजें हैं मेरी, यहाँ पे देखेंगे मेरा कोई एक ज़ेब्रोनिक्स है, मेरा यहाँ पे दो कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड माउस पैड का कॉम्बो है। नीचे मेरा लगा हुआ है उसका, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज वाला गेमिंग पैड मंगाया था वो लगा हुआ है, जिसमें मेरे को यहाँ पे यूएसबी हब भी है, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा मैं। एंड यहाँ पे मेरे एक हेडफोन स्टैंड है 7.1 सराउंड वाला, और साथ साथ यहाँ पे मेरा हेडफोन है ज़ेब्रोनिक्स से आरजीबी लाइट वाला विथ जिसमें सर्कल वाली लाइट्स हैं। नीचे देख सकते हैं मेरा भाई जिससे मैं यूज कर रहा हूँ, ये है मेरा Asus का क्रोमबुक मिनी पीसी, और जो कि i7 के साथ मिलता है, 8th जन के साथ है भाई। यहाँ पे 16/512 SSD मिल जाती है मेरे को यहाँ पे। एंड ये मेरी टीवी लगी हुई है सोनी की, मैं टीवी पर्सनली यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, KW16D ऐसा कुछ नाम है इसका, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। तो भाई यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं इसी में गेमिंग वगैरह करता हूँ। एंड यहाँ पे साइड में अगर आपको दिख रहा होगा माउस भी मेरा रखा हुआ दिख रहा होगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, लेकिन फिलहाल अभी मेरा ये चालू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं अपना गेमिंग सेटअप यहाँ पे चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो ये चालू करते हैं, यहाँ पे भाई मेरी लाइट्स हैं जो मैंने लाइट लगा के रखी हैं, जो कि अगर आपको दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे भाई मेरा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मैं इसकी बैटरी बढ़ा देता हूँ आपको। हाँ तो भाई देखिए मेरा कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पे, ये है मैं जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रीम वगैरह करता हूँ, इसी में गेमिंग सेटअप है मेरा भाई, जिसमें मैं स्ट्रीम वगैरह करता हूँ। मेरे को मजा आता है इसमें स्ट्रीम वगैरह करने में भाई। यहाँ पे देख सकते हैं लाइट्स वगैरह, RGB लाइट्स भाई, मेरे को शौक था RGB लाइट्स वगैरह का, तो यही है सारी चीज है। मैं बताता हूँ भाई, स्टार्टिंग करते हैं अपने ज़ेब्रोनिक्स से कीबोर्ड के साथ। तो भाई ज़ेब्रोनिक्स से कीबोर्ड में मंगाऊ तो मैंने ये दोनों माउस का कॉम्बो मंगाया था, जिसमें मेरे को ये कीबोर्ड के बाद RGB लाइट मिल जाता है एलुमिनियम वाली, मेरे को यहाँ पे इसका स्टैंड है भाई अच्छा है। एंड यहाँ पे भी मेरे को माउस अच्छा देखने को मिलता है, 6 लाइट्स मिल जाती है यहाँ पे, शायद 6400 तक DPI मेरे को देखने को मिल रही है भाई। एंड यहाँ पे भाई इसकी लाइट जलती रहती, 3 सेट है इसके लाइट्स के जो भी जलते रहते हैं। एंड यहाँ पे भाई मैंने इसको तो जलाया नहीं, जो कि मेरा मेन है। यहाँ पे मैंने गेमिंग पैड, मेरा टक्सर का गेमिंग पैड मिल जाता है। इसकी प्राइस मैं बताऊँ तो मेरा ये शायद से 1700 का था। इसके दो सेट आते हैं दोस्तों, मैं सबकी जो भी चीजें हैं मेरी यहाँ पे सबकी लिंक देकर रखूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे, है ना। एंड इसकी बात करते हैं भाई, तो ये जो मेरा टक्सर का गेमिंग सेटअप मतलब मेरे को गेमिंग पैड है, तो भाई यहाँ पे इसमें ये लाइट बॉर्डर में लाइट मिल जाती है, यहाँ पे इसकी अलग लाइट्स वगैरह चेंज होती रहती हैं। एंड यहाँ पे मेरे भाई यहाँ मेरे को USB हब भी देखने को मिलता है, जिसकी मैं अगर आप देख पा रहे हैं USB हब भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे मैंने कीबोर्ड और माउस का दोनों का वो लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे यही प्रेफर करता हूँ मेरा यहाँ पे भाई। उसके साथ साथ बात करते हैं भाई यहाँ पे इसकी मेरे स्टैंड हेडफोन की भाई, तो यहाँ पे हेडफोन अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे ज़ेब्रोनिक्स का हेडफोन देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे को भाई काफी कंफर्टेबल लगा मेरे को हिसाब से। मेरे को साउंड वगैरह भी अच्छा आता है, साउंड का मेन मेरा मकसद है भाई, मेन मेरे को जो अच्छा साउंड आता है वो है इसके कारण, जो कि मेरे को XLE 7.1 हेडफोन सराउंड साउंड वाला हेडफोन स्टैंड मिलता है इसमें भाई। अगर मैं इसमें ही मैंने फिट करके रखा मेरा हेडफोन है यहाँ पे भाई मेरा, देखेंगे अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो इसमें मेरे को यहाँ पे माइक वाला माइक है इनबिल्ट मिल जाता है यहाँ पे। एंड इसे मैं माइक को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम स्विचर भी मिल जाता है, मैं वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे भाई लाइट्स देखेंगे तो लाइट्स इसमें मेरे को देखने को मिल जाती जलती हुई, और ये मेरा हेडफोन का स्टैंड है जिसमें नीचे लाइट लगी हुई है भाई यहाँ पे।
एंड यहाँ पे अगर उसके अलावा की बात करूँ तो मैं यहाँ पे बोट का स्पीकर यूज करता हूँ, जैसे कि अगर मैं हेडफोन वगैरह यूज ना करूँ, मेरे को मतलब यहाँ करना है तो मैं यहाँ पे हेडफोन बोट का स्टैंड यूज करता हूँ, मतलब आई मीन ब्लूटूथ स्पीकर जो कि मैं यूज करता हूँ भाई, इसका साउंड मतलब एकदम जहर भाई, मेरे को पसंद आता है। एंड यहाँ पे मैंने जो लाइट्स लगी हुई है मेरी, अगर तो आपको पीछे देख रही हूँ तो मैंने एक पूरे टेबल में अपने लाइट लगा के रखी है भाई, जो कि मैंने देसी दिया था हमारी हुई थी लाइट्स। दो दो टाइप की दोस्तों लाइट मिल जाती है, एक आपको रिमोट वाली जो कि मैं एक रिमोट वाले यूज कर रहा हूँ, और एक वाईफाई वाली मिल जाती है जो कि आप एलेक्सा वगैरह अगर आपके पास है तो आप एलेक्सा वगैरह स्विच करके भी यूज कर सकते हैं, है ना भाई। उसके अलावा यहाँ पे मेरी टीवी लगी हुई है सोनी की भाई, यहाँ पे देख सकते हैं 1080p वाली मिल जाती है यहाँ पे, जिसमें मैं भाई स्ट्रीम वगैरह करता हूँ तो इसी में देख के स्ट्रीम करता हूँ भाई, मजा आता है। एंड उसके साथ साथ भाई ये लगा हुआ है मेरा मेन चीज जो कि है मेरा मिनी पीसी, जिसका नाम है भाई, ये मिल जाता है हमें एसडी, ये है कोर i7 पे बेस मिल जाता है हमें विंडोज 11 प्रो के साथ, जिसमें भाई i7 मिल जाता है हमें, वैसे 8th जेन मिल जाता है, और यहाँ पे 16 GB की मेरे को यहाँ पे रैम देखने को मिल रही है, 512 GB की मेरे को SSD देखने को मिल रही है। स्पीड की बात करें दोस्तों ये क्या है, मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप इससे जो है काफी ज्यादा परफॉर्मेंस जैसे एक्सपेक्ट करें तो नहीं कर पाएंगे, स्ट्रीम वगैरह अगर आप BGMI वगैरह की स्ट्रीम करते तो आपको वो करने में बिल्कुल भी इश्यू वगैरह नहीं आया, तो आप वो अच्छे से स्ट्रीम वगैरह कर सकते हैं भाई। यहाँ पे भाई मल्टीटास्किंग वगैरह मैंने करी है, मेरे को मल्टीटास्किंग वगैरह में कोई इशू नहीं आता, बहुत ही अच्छे मेरे को मजा आता है, तो मैं मल्टीटास्किंग वगैरह भी करता रहता हूँ, यही मेरी चल स्पेस है भाई, मेरे को यही मेरी जन्नत है, मेरे को यही पसंद है, मैं यहीं पर बैठता हूँ। एंड साइड में मैं आपको दिखाता हूँ अब जो मेरा मेन साइड का है, तो साइड में मैं आपको अब लेके चलता हूँ, एंड साइड में आपको दिखाता हूँ मेरे साइड में क्या चीज है। हाँ तो गाइस साइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा, यहाँ पे मैंने डुअल डिस्प्ले लगा के रखी है यहाँ पे, जो कि मेरा लैपटॉप है, मैं लैपटॉप भी यूज करता हूँ यहाँ पे, एंड मैं ये लैपटॉप बेसिकली बहुत प्रेफर करता हूँ मेरा, मैंने ये लैपटॉप मंगाया हुआ है जो कि डेल का मेरे को लैपटॉप देखने को मिल रहा है, i5 मिल जाता है दोस्तों इसमें, i5 की 8th जेन वाला लैपटॉप देखने को मिल रहा है ये, जिसे मेरे को 512 GB SSD मिल जाती है, जो कि मैं नॉर्मली अपने अलग कामों के लिए यूज़ करता हूँ भाई। एंड यहाँ पर मैंने एक साइड में भी डिस्प्ले लगा के रखी है, मैंने दोनों कनेक्ट करके रखे हैं, यहाँ पर मैं अगर और कुछ देखना चाहूँ तो मैं जैसे मल्टी मॉनिटर मैं अगर प्रेफर करता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। नीचे देखेंगे मेरा एक गेमिंग माउस देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट का गेमिंग माउस मंगाया था जो कि मेरे को अच्छा लगा, और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल था जो कि मैं नॉर्मल वाला भी मेरे को कीबोर्ड अच्छा लगता है, मान लो जब फास्ट टाइपिंग वगैरह करनी रहती तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो ये वाला दोस्तों मेरे को लॉजिटेक का, मेरे को इस देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, साथ में मेरे पास एक लॉजिटेक का एक्स्ट्रा माउस भी मैंने इसी में लगा के रखा है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ अगर मैं और कोई भी यूज़ करता हूँ। यही सारी चीज़ें भाई मेरे सेटअप में, एंड मैं यहाँ पे और चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे और चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी हैं भाई। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे बीच में मैंने यहाँ पे QHMTL वाला मेरा मैंने मल्टीपल हब लगा के रखा हुआ USB हब, तो यहाँ पे मैं जो कि अपने कीबोर्ड से कनेक्ट करके रखा हूँ, यहाँ पे मैंने साथ ही का फैन जो कि दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं लैपटॉप के फैन के बारे में, तो ये मेरे को कॉस्मिक बाइट का लैपटॉप फैन मिल जाता है जो कि RGB फुल बेस मिल जाता है, एंड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो RGB आपको देखने ही मिल रहा हो, जो कि भाई RGB चलती है, मजा आता है भाई, अच्छा चलता है, 1200 RPM की स्पीड इसमें कुछ देखने को मिलती है भाई, और इसके साथ मैं चिल करता हूँ। एंड यहाँ पे दूर से देखेंगे तो भाई मेरा कुछ ऐसा सेटअप आपको देखने को मिलता है, एंड सेटअप की बात करते भाई, तो जब मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता हूँ तो लाइट्स वगैरह ऑफ करने के बाद मेरा कुछ सेटअप ऐसा देखने को मिलता है, एंड भाई मैं ऐसे सेटअप में बैठता हूँ, इसी सेटअप में मैं गेमिंग वगैरह करता हूँ भाई। एंड मेरे को भाई पर्सनली बताऊँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, अगर मैं आपको और ऊपर से दिखाता हूँ तो और ऊपर से देखेंगे आप तो मेरा कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलता है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ भाई, मेरे को बहुत पसंद आता है, एंड मैं इसी में गेमिंग वगैरह करता रहता हूँ। अलग अलग चीज़ों की भाई अलग अलग से आपको और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो आप वो वीडियोस वगैरह भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप प्रेफर करना चाहें, एंड गेम मैं आप थोड़े से वीडियोस वगैरह भी ला रहा हूँ भाई, मैं स्ट्रीम वगैरह जो करता हूँ मेरे दूसरे चैनल का, अब आपको मैं उसकी अपनी झलक दिखाता हूँ जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे को कैसा दिखता है यहाँ पे। अरे भाई मार मार क्या कर रहा है, जल्दी मार 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 सामने मार, चलो गाइस यहाँ पे मजा आते हैं मजा। अरे मार दिया यार इसने, क्या कर रहे हो जल्दी मारो बे। तो दोस्तों यही था मेरा एक सेटअप टूर, एंड मैंने यहीं पे आपको बताना चाहता कि मैंने अपनी चीज़ें कैसे क्या मैनेज करी, क्या बनाई हैं। तो भाई मैंने बताना चाहूँगा कि मेरे को पहले से मेरा काफ़ी सपना था कि मेरे को गेमिंग सेटअप बनाना है, हाँ यहाँ पे मैंने अपना एक गेमिंग सेटअप तैयार कर लिया यहाँ पे, आप भी दोस्तों चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपको यही सेम चीज़ें चाहिए तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने अपना गेमिंग सेटअप पूरा तैयार किया है, आप लोग भी कर सकते हैं भाई, मैं सबकी हर चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं भाई, जो भी अगर आपको लेना हो आपके हिसाब से जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं।
एंड मेरी भाई सुबह शाम दिन रात यही होती है, इसी सेटअप में बैठे बैठे गेमिंग वगैरह करते हुए, स्ट्रीम वगैरह करते हुए, एडिटिंग वगैरह करते हुए एंड नई नई चीज़ें सीखते हुए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन मैंने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर चीज़ की लिंक देखे रखी है, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरा यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो यूज़ करिए, उसका भरपूर फायदा उठाइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।